देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और बिलासपुर जिले में बतौर SHO और DSP रहते हुए अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले संजय कुमार शर्मा की कार्य के प्रति निष्पक्षता और निडर भाव को देखते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उन्हें उत्कृष्ट सेवा और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है, जिसे शिमला में आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने CM जयराम ठाकुर की मौजूदगी में सौंपा। सन 1990 में ASI पद पर अपनी सेवाएं शुरू करने वाले DSP संजय कुमार शर्मा सुंदरनगर के भोजपुर गांव के रहने वाले हैं। वहीं 1993 में बरवाणा थाना प्रभारी के पद पर सेवाएं देने पर उन्होंने एक हत्या के मामले को बहुत जल्दी सुलझाकर राजस्थान से आरोपियों को पकड़ लाए थे। इस पर बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया था। वहीं DSP संजय शर्मा ने 1998 में बैजनाथ थाना प्रभारी होते हुए जंगल से एक आतंकवादी को पकड़ा था। लगातार 9 घंटे तक जंगल में चले रेस्क्यू के बाद संजय शर्मा ने अपनी टीम के साथ आतंकवादी को गिरफ्तार किया। यही नहीं, DSP संजय शर्मा ने 2007 में रोहतांग दर्रा में बर्फ के तूफान में फंसे 382 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला था। इसके लिए कुल्लू प्रशासन द्वारा संजय शर्मा को सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही अपने 29 सालों के कार्यकाल के दौरान जहां संजय शर्मा ने कई नशा माफियाओं को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में चरस और चिट्टे की बरामदी की थी, इसके साथ ही अपने 29 सालों के कार्यकाल के दौरान संजय शर्मा ने कई नशा माफियाओं को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में चरस और चिट्टे की बरामदगी की थी। साथ ही कई अनसुलझी चोरी की घटनाओं को भी अपनी समझदारी से सुलझाकर पुलिस विभाग का नाम रोशन किया था। अपने कार्यों को लेकर संजय शर्मा को जिला और राज्य स्तर पर 75 से अधिक उत्कृष्ट सेवा प्रशस्ति पत्र मिल चुके हैं। वहीं उनकी कार्य दक्षता को देखते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उन्हें 26 जनवरी को प्रशस्ति पत्र भेजा गया था और हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को राष्ट्रपति द्वारा उन्हें उत्कृष्ट सेवा मेडल दिए जाने के आदेश भी दिए गए थे, जिसके बाद DSP संजय शर्मा को यह अवार्ड बीते दिनों शिमला में आयोजित एक सम्मान समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा दिया गया। वहीं अवार्ड प्राप्ति के बाद बिलासपुर पहुंचे DSP संजय शर्मा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए इसका श्रेय अपने परिवार और वरिष्ठ अधिकारियों को दिया। इसके साथ ही उन्होंने निर्भय, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठा भाव से काम करने की बात करते हुए पुलिस विभाग के इस स्लोगन को अपने जीवन में उतारने और आगे भी इसी रास्ते पर चलते हुए देश की सेवा के प्रति समर्पित रहने की बात कही है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा मुझे सैन्य सेवाओं के लिए जो है वो पुलिस पदक प्रदान किया गया, जिसका अलंकरण समारोह जो है वो पिछले कल राजभवन शिमला में हुआ, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय ने ये पदक मुझे प्रदान किया। मैं इसका श्रेय अपने परिजनों तथा अपने उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन को देता हूँ, जिन्होंने मुझे अच्छा कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित किया। वैसे भी जैसे हिमाचल पुलिस का मोटो है निर्भय, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ, इसी को ध्यान में रखते हुए जो है अगर हम कर्तव्य पालन करें, अपनी ड्यूटी है उसका निर्वहन जो है वो ईमानदारी से करें, तो हम कोई भी सफलता का मुकाम जो है वो हासिल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं और ज़्यादा अच्छा कार्य करूँ ताकि मेरे विभाग का नाम जो है वो ऊँचा हो सके। बिलासपुर से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।